को डीजल लगा पेरिस ले जाते हैं। पेरिस जब हमारे जीजा श्री जो इंदौर यूनिवर्सिटी के पहले एडल डिपार्टमेंट मैथमेटिक्स थे वो भी 3 साल पहले गए होंगे जब कांग्रेस की हुकूमत थी, तो उनका अनुभव था उस समय का। बोले कहाँ जा रहे हो, कहाँ तो भारतवासियों को बड़ी हिकारत की दृष्टि से देखा जाता रोज हुआ है। तो मैंने कहा सरकार ने हमको भेजा है, हम जाएंगे वहां से इन्वेस्टमेंट के लिए इन्वेस्टर्स को बुलाएंगे। हम गए, बातचीत हुई, तो जो जितने इन्वेस्टर्स थे सबका उत्साह था आपकी टीम में, उनका तो आप मोदी जी के देश से आए हैं और योगी जी स्टेट से आए हैं। और उससे भी आगे सुनिए कि जब शाम हुई मैं फिर इसका परफ्यूम मशहूर है इत्र पूरे देश में मशहूर है, तो हम वहाँ से लेने गए कि कुछ इस मित्रों को जब मुझसे पूछेंगे तो कोई अश्विनी जैसे लोग क्या लाए हमारे लिए, तो कुछ इत्र लेने चले यहाँ से। तो मैं इत्र की दुकान पे गया, वहाँ के लोगों को अपनी भाषा के प्रति घमंड देखिए, वो फ्रेंच में बात करते हैं, जब तक सामने वाला फ्रेंच जानता है तो फ्रेंच में बात करेंगे वरना इंग्लिश में करेंगे, तब जब वो नहीं जानता है। यहाँ तो हम किसी लिक्विड सुनते तो आएंगे बड़ा विद्वान, हमारा मानस कहता है वो विद्वान हो गया। तो मैं पहुंचा हूँ सेल्स गर्ल थी, उसने मुझसे फ्रेंच में कुछ बोला, मैंने कहा मैडम आई डोंट नो फ्रेंच, तो बोली फ्रॉम वेयर यू आर, मैंने कहा फ्रॉम इंडिया, फ्रॉम मोदी कंट्री वेलकम, फ्रॉम मोदी कंट्री, ये दिया है मेरे नेता ने सम्मान दिया, मेरा सीना छप्पन इंची का हो गया जब मैंने सुना। और वो पढ़ा जीजा का याद किया सेंटेंस कि बड़े हितारत से देखते हैं और आज करी हो मोदी कंट्री वेलकम वेलकम ये दिया है मेरे नेता ने। अंतिम छोड़ पर बैठे व्यक्ति की समस्या को दूर किया है, सुबह से शाम हो जाएगी रात हो जाएगी, वो उनके बताए हुए कार्य खत्म नहीं होंगे, इतने काम करेंगे। एक आदमी उदाहरण देकर मैं अपनी बात को आगे बढ़ाऊंगा, आम महिला जो गरीब वर्ग में महिला है, जिनके यहां पर गैस नहीं थी, चूल्हे में खाना पकाते थे, एक बार के खाने में 100 सिगरेट की धुएं को अंदर इनहेल करती थी वो महिलाएं, फेफड़े खराब होते थे, आंखें खराब होती थी। बड़े दिनों से लोग देखते चले आ रहे थे इस बात को, किसी और हुक्मरान ने इस शब्द को क्यों नहीं समझा महिलाओं के, मेरे नेता मोदी ने ही उसकी संवेदनशीलता थी, उन्होंने महिलाओं के इस दर्द को देखा और हर गरीब महिला के यहाँ पर चूल्हा सिलेंडर ये उन्होंने उनके दर्द को धो दिया है, इससे पहले किसी ने चूल्हे नहीं देखा। और आगे बताऊं महिलाओं के बारे में बताया, आगरा में भी जब आप कभी बाहर से आते होंगे ट्रेन से तो सामने देखते होंगे रेलवे के देख सुबह सुबह रेल पटरी के किनारे जो शौचालय महिलाओं की मजबूरी है तो क्यों हट में से पहले या अंधेरा होने के बाद अपने काल से निवृत्त होने शौचालय से निवृत्त होने जाती थी, तो उस बीच में यदि महसूस होता था कर नहीं पाती थी, क्या दर्द था उनका सोच लिया, जो नहीं समझा किसी और बराबर में हमारे नेता मोदी जी ने समझा, बस्ती बस्ती गांव गांव शौचालय दिए, घर घर शौचालय दिए, उनको इज्जत घर का आयोजन है जिससे पहला इज्जत बची रह सके, ये किया है उन्होंने, उनको जोर पर बैठे व्यक्ति के दर्द को समझा, समस्या को समझा, समस्या को समाधान दिया। ऐसे पूरी लंबी कहानी फहरिस्त है, इस किसको गिनाऊंगा। प्रदेश में योगी है, आप सब व्यापारी हैं, पहले व्यापारी खौफजदा थे, माफियाओं से चौथ वसूल करने वालों से, छिनैती करने वालों से, डकैती करने वालों से, आज माफिया खौफ में है, जनता बेखौफ है।
आज गुंडे खौफ में थे, आके या तो जेल में छुप गए हैं अपने बचाने के लिए या प्रदेश छोड़ गए हैं, और अगर कुछ हिम्मत भी है गाड़ी पलट गई। मुख्तार अंसारी का जिक्र कर रहे हैं, मुख्तार अंसारी उत्तर प्रदेश की जेल से भाग के चंडीगढ़ पहुंच गया था, जेल एक अपराध वहां से दर्ज करा के वहां पर ले लिए, वो केस को खत्म करा, वहां व्हील चेयर पे चलता था, व्हील चेयर कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है इतने परेशान हो कि व्हील चेयर पे चलता हूं। जब वहां पर खत्म हुआ यूपी में लाया गया तो व्हील चेयर पर सबने देखा, व्हील चेयर पर चला था वहां पर गाड़ी में बैठा था, और जब यूपी में उतरा है तो दौड़ के जेल के दरवाजे में घुसा के कहीं पे कोई है मेरे नेता का बदमाशों में माफियाओं में ये होना चाहिए, और जिसको होना चाहिए जब उन्होंने कहा हाउस में उनके पीछे था, मैं ट्रेन में बैठता हूँ, योगी इधर बैठे इधर में बैठता हूँ, सामने अखिलेश यादव बसपा सपा कांग्रेस, उन्होंने कहा मैं भाप माफियाओं को मट्टी में मिला देंगे, क्यों मिर्च लगी अखिलेश माफियाओं को मट्टी मिलाने की बात कही है, बदमाशों को मट्टी मिलाने की बात कही है, ये क्यों दिल दिलाए? इसी से आपको अंदाज हो जाना चाहिए कि कौन कैसा है, कैसी हुकूमत है वो और कैसी हुकूमत है ये अंतर है योगी का। मित्रों मैंने अभी बताया कि मेरे नेता कैसे हैं, हमारे कामकाज कैसे हैं, अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति की सोच, मैं उत्तर प्रदेश सरकार की बात करूं, आप लोगों के आशीर्वाद से मैं पहली बार विधायक बना, आगरा में पानी की समस्या थी, 100 मिलियन लीटर पर डे यमुना से पानी उठाया जा सकता था, आगरे को 400 मिलियन लीटर पर डे पानी की आवश्यकता थी, पानी था ही नहीं यमुना, और वो भी कैसा था, राम तेरी गंगा मैं धो गई पापियों के पाप होते धोते, ये राज कपूर ने फिल्म के माध्यम से फलसफा दिया था, लेकिन कृष्ण तेरी यमुना मैली हो गई, दिल्ली ओखला के नाले धोते धोते भी हमारे पीछे बर्बादों के नक्श बोर्ड खोलते थे तो बता देते थे इतना गंदा पानी निकलता है। आप लोगों ने मुझे आशीर्वाद दिया, उस समस्या का निदान खोजा, यहां से 150 किलोमीटर दूर से गंगा जल प्रोजेक्ट को शुरू कराया कि गंगा जल आगरा की जनता को मिले, जुनून के साथ उसमें लगे, असंभव सा काम था लेकिन ईश्वर ने शक्ति दी, आपकी दुआओं ने ताकत दी, 9 जनवरी 2019 आगरा के इतिहास की वो तारीख बन गया, आगरा वासियों के इतिहास की वो तारीख बन गया जब मेरे नेता ने मोदी ने बटन दबाया और आगरा यमुना मैया के शहर में गंगा मैया आई थी, वो इतिहास बन गया। अब घर में गंगा जल मिल रहा है, शुद्ध पानी मिल रहा है, शुद्ध पानी स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है, आने वाली नस्लों को स्वास्थ्य मिला है, सिर्फ पानी नहीं मिला, ये जाए हमारी सरकार आपके पड़ोस में ऐसे मेडिकल कॉलेज, क्योंकि देखिए व्यक्ति को खाक पति हो खरब पति हो पानी की जरूरत, उस समस्या का निदान दिया, आप लोगों ने इस देश से मेरे को भगीरथ कह दिया, आगरे का भगीरथ, लेकिन मैं तो कहता हूं करता है तू कन्हैया मेरा राम होगा, क्योंकि मैं जब पन्नों को पलटता हूं पूरे प्रोजेक्ट के तो लगता है कि काम मैंने कैसे कर सकता, कुछ ऐसे ऐसे मोड़ आए, ऐसे ऐसे इंसिडेंट हुए जो असंभव से लगते हैं अब, लेकिन कहीं ना कहीं ईश्वर वाले की आशीर्वाद था और आप लोग जब की दुआएं थी, काम हुआ, बड़ा काम हुआ, ऐसे मेडिकल कॉलेज का जिक्र कर रहा था,
पढ़ाई और दवाई आदमी के जीवन की सबसे आवश्यकता है। पानी आवश्यकता पहली, उसके बाद पढ़ाई और दवाई। आपने सुना होगा कहीं ना कहीं किसी माँ को या पिता को अपने बच्चों के लिए डॉक्टर से कहते हुए कि डॉक्टर साहब मेरा घर पूरा बच जाए, मेरे बच्चे को ये दवा की आवश्यकता हो। और ऐसे मेडिकल कॉलेज का हाल क्या था कि जब 2017 में मैंने कह लिया, संकल्प लिया कि अपने दूसरे टेन्योर में जो आपने मुझे दिया इसमें ऐसे मेडिकल कॉलेज का अपग्रेडेशन करेंगे, एम्स स्तर को लाने की कोशिश करेंगे, कुछ ऐसा करेंगे जिससे एम्स स्तर की सुविधाएं यहाँ की जनता को मिले, यहाँ की जनता को मद्रास, बंबई, लखनऊ, जयपुर न जाना पड़े। मैं गया सर्वे करने की कौन सा विभाग कहाँ खोले, कैसे बने, वहां की बच्चियों ने मुझे घेर लिया हॉस्पिटल। मैं दुर्दशा बता रहा हूँ, इतने साथ में राजेश जी ये थे 500, अभी बता रहा हूँ। तो बच्चियों ने कहा हमारा हॉस्टल देख लिया, तो मैंने उनसे कहा मैं हॉस्टल देखने नहीं आया हूँ, मैं ये देखने आया हूँ कौन सा विभाग कहाँ खुलेगा, कैसे बनेगा, क्या क्या हो सकता है यहाँ पर। तो बोले जी विधायक जी आप पहले हमारा हॉस्टल देखिए। तो मैंने कहा क्या है ऐसा हॉस्टल, बोले देखिए तो सही। तो गर्ल्स हॉस्टल था, ऐसे जाना उचित नहीं था। मैंने प्रिंसिपल को बुलाया, डॉक्टर सरोज सिंह उससे प्रिंसिपल थी। मैंने कहा मैडम ये हॉस्टल देखने की बात कर रहे बच्चियाँ, क्या मामला है हॉस्टल के। अरे बोले छोड़िए विधायक जी, आप तो वो दिखाया हमें क्या कौन सा डिपार्टमेंट चाहिए। मैं समझ गया कि दाल में काल आया है, पूरी दाल का। मैंने कहा चलूंगा देख लिया, तो चलो आप पहले चलो। शर्मनाक और दर्दनाक बात बता रहा हूँ, क्या दुर्दशा उससे ध्यान हो जाएगा आपको कि गर्ल्स हॉस्टल के बाथरूम के दर्द में दरवाजे नहीं थे ये दिखाया। तो बताइए जब ऐसी स्थिति थी, और आज आप खुद जाते होंगे देखते होंगे करोड़ों रुपया लग रहा है, नई नई बिल्डिंग बन रही है सुपर स्पेशलिटी। मैं बात माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगा, योगी जी को धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि मैंने पूरे विषय को माननीय प्रधानमंत्री जी को लिखा, हर्षवर्धन जी से मिला इस समय उठे स्वास्थ्य, फिर नड्डा जी मैंने उनसे मिला, योगी जी को लेकर आया यहाँ पर दिखाया उनको, देखिए डॉक्टर दिनेश शर्मा आगरा प्रभारी थे, डिप्टी सी एम थे, उनको दो बार दिखाया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने सुपर स्पेशलिटी विभाग खोलने की अनुमति देते हुए अपने केंद्र का केंद्रांश 300 करोड़ और योगी जी ने 200 करोड़ 500 करोड़ का काम चल रहा है, अभी 500 करोड़ और सेंक्शन कराया, अभी 1000 को बंद करा दिया है, एम्स स्तर का अस्पताल बनेगा। अब यहाँ के लोगों को बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, गरीब को भी अमीर को भी यही इलाज मिलेगा, ये काम है। जनता के दर्द को जो समझेगा वही काम करेगा, ये है हमारे राजेश जी। यहाँ की समस्या लेके आते रहते, कई गलियां यहाँ पर ऐसी हैं जब पिछले 30 साल में पानी नहीं आया होगा, आज पानी आ रहा होगा, पूछो इनसे। कई गलियां इन्होंने बनवाई मुझसे, पानी की लहरें डलवाई गंगा जलाने के बाद। अब बाद में पढ़ते भैया जब घड़े में पानी नहीं होगा तो मैं 10 गिलास आपको दे दूंगा, पानी कहाँ से लाऊंगा। तो जब यहाँ पर 350 मिलियन लीटर पर डे गंगा जल आने लगा, तब इन्होंने कहा पाइपलाइन डलवाओ, पाइपलाइन डली। इनका स्वभाव है दर्द को समझना और उनका समाधान देना। तो आपके जिस पार्टी के लिए वोट मांगने आया हूं उसके नेता मोदी योगी जिनका कोई तोड़ नहीं, उनके काम जिनका कोई तोड़ नहीं, और मेरे प्रत्याशी का कोई जोड़ नहीं। जिंदाबाद मित्रों, ये चुनाव बहुत विषम परिस्थिति में हो रहा है। गर्मी बहुत है,
पिछला चुनाव सर्दियों में हुआ था, हमारा चुनाव भी सर्दियों में हुआ था, दिन भर में चाहे जब फूट डालने आने में सुविधा थी। इस गर्मी के मौसम में 10 बजे से पहले वोट डाल दीजिए, ऐसा कुछ व्यवस्था बनाइए, पहले मतदान बाद में जल्द सुबह उठते ही खुद वोट अपना डालें, अपने परिवार का डलवाएं, अपने पड़ोसी का डलवाएं, अपने रिश्तेदार का डलवाएं, क्योंकि अगर वोट नहीं पड़ा तो जितना बढ़िया माहौल होगा, जितना बढ़िया नेता होगा, वोट नहीं पड़ेगा तो कुछ क्या करेगा। और एक एक वोट की कीमत होती है। चिदंबरम का नाम सुना है आप सबने, मात्र एक वोट से एमपी का चुनाव जीता था, इसे पास कर दिया, मात्र एक वोट। और एक और जोशी जी थे राजस्थान के, किसी नाम की नहीं सुना होगा, दीपी जोशी, तुम नाम ही में खो गए, जबकि उनके चेहरे को प्रोजेक्ट करके राजस्थान में कांग्रेस ने चुनाव लड़ा था, या हमारे अगले चीफ मिनिस्टर भी होंगे, एक वोट से चुनाव हार गए थे, चीफ मिनिस्टर नहीं बन पाए, उसके बाद गहलोत बने थे, खो गए गुमनामी में, मालूम नहीं कहाँ है। और बजे की बात, वो खुद और उनकी बीबी वोट डालने नहीं गए थे, अगर वोट डालने चले जाते तो वो चुनाव जीत गए होते, चीफ मिनिस्टर होते, कहीं ना कहीं उनका नाम जिंदा रहता। ये है एक वोट की, इसलिए मित्रों एक एक वोट पड़ जाए राजेश जी के लिए, महापौर के लिए। दो मशीनें होंगी, दोनों पे कमल के निशान होंगे, दोनों के कमल के निशान को दबाइएगा, ये अनुरोध करने आया हूं। धन्यवाद।